हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज हम बनाने वाले एक मोबाइल की बैटरी से 12 वोल्ट का बैटरी। मोबाइल की बैटरी सिर्फ रहता है 3.7 वोल्ट का, तो उसको हम 12 वोल्ट का बैटरी बनाएंगे। तो इसके लिए आपको 3 बैटरी का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कनेक्शन कर रहे हैं उस बैटरी का प्लस पॉइंट को, आप उसमें कट कर लिए तार को, छोटा कर लिया, तो इस बैटरी का प्लस पॉइंट और इस बैटरी का माइनस पॉइंट को हम सोल्डिंग कर देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस बैटरी का माइनस पॉइंट जो अभी कनेक्शन नहीं किया, अभी कर रहे, इस बैटरी का माइनस पॉइंट और जो पहले किए थे उस बैटरी का प्लस पॉइंट, इस प्रकार से आपको भी बनाना है तो सोल्डिंग कर लेना है। इसका माइनस, इसका प्लस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसका, आप फिर से एक छोटा सा वायर ले, आप फिर इस बैटरी का प्लस पॉइंट, इस बैटरी का प्लस पॉइंट को आपको सोल्डिंग कर लेना है। इस बैटरी का प्लस पॉइंट ध्यान में रखें, कहीं माइनस माइनस का कनेक्शन ना कर दे फ्रेंड्स। जो आपका, आप फिर उस बैटरी का प्लस पॉइंट से कनेक्शन किए तो 3 वाला बैटरी के माइनस पॉइंट से हम कनेक्शन करेंगे। अब इससे हम, मेरा निकलेगा सप्लाई, निकलेगा एक बैटरी में प्लस पॉइंट और एक बैटरी में माइनस पॉइंट, जो हम सीरीज में इसको कनेक्शन किए हैं। थर्ड बैटरी से मेरा निकलेगा प्लस पॉइंट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रेड वायर से इसको कनेक्शन कर ला, ताकि पता चले कि मेरा रेड वायर प्लस पॉइंट है और इस बैटरी से फिर माइनस पॉइंट निकलेगा, जो मैं ब्लैक वायर से सोल्डिंग कर दे रहा। तो जैसा कि आप देख पा रहे कि मैं 12 वोल्ट का बैटरी ये बन गया। तो आपको हम टेस्ट करके भी दिखाएंगे से ये कितना वोल्ट निकल रहा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट कर लिया हूँ। अब आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डीसी वोल्ट में मैं सेट कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि 7.6 वोल्ट बता रहा। तो इसका मतलब मेरा 12 वोल्ट का बैटरी बन चुका है, या अभी बैटरी फुल चार्ज नहीं, इसको चार्ज देने के बाद फुल 12 वोल्ट बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर नए हैं मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।